This is chapter 1st, Shapes and Space. Our topic is Inside, Outside. So now let's read out the story. The Arab and his camel. Story kiski hai? Ek Arab ki aur uske camel ki. It was a cold winter day. Cold winter days ki baat hai. The Arab was traveling on camel's back. अरब ट्रैवल कर रहा था अपने कैमल पे. एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. रात होते ही अरब ने अपना टेंट लगाया डेजर्ट में और उसके अंदर जाके बैठ गया. द कैमल वॉज आउटसाइड. लेकिन कैमल बाहर था यानी कि आउटसाइड और अरब टेंट के इनसाइड. कैमल ने पूछा मे आई पुट माई नेक इनसाइड. क्या मैं अपनी नेक अंदर रख सकता हूँ. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ठंडी है. तो अरब ने क्या कहा ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड कि तुम अपनी गर्दन अंदर रख सकते हो. तो कैमल को क्या परमिशन मिली कि वो अपनी गर्दन को टेंट के इनसाइड रख सकता है यानी कि नेक को अंदर रख सकता है. मूव टू पेज नंबर 2. नाउ कैमल सेड मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड कि क्या मैं अपनी आगे की लेग्स को अंदर रख सकता हूं. जैसे कि हमें पता है कैमल की 4 लेग्स होती हैं. तो उसने अपनी फ्रंट वाली 2 लेग्स को अंदर रखने की परमिशन मांगी. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. जैसे कि बाहर ठंडी थी इसलिए कैमल ने परमिशन मांगी कि वो अपनी फ्रंट लेग्स को अंदर रख सकता है. तो अरब ने कहा ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. तो अरब ने उसको परमिशन दे दी कि आप फ्रंट लेग्स को अंदर रख सकते हो. फिर से कैमल ने पूछा कैन आई कम इनसाइड कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. कैमल ने अब कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं मतलब कि पूरा का पूरा क्या मैं अंदर आ सकता हूं. टेंट तो बहुत छोटा होता है मतलब कि एक आदमी या फिर 2 आदमी अंदर उसके उतनी स्पेस में रह सकते हैं. बट इतना बड़ा कैमल और उसके साथ में अरब ये पॉसिबल नहीं. तो अरब ने जवाब दिया ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. अरब ने कहा कि नहीं टेंट तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए. तो कैमल ने क्या कहा सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तो कैमल ने उस अरब को बाहर निकाल दिया और खुद अंदर बैठ गया. तो स्टार्टिंग में क्या था अरब वॉज इनसाइड एंड कैमल वॉज आउटसाइड. अब क्या है कैमल इज इनसाइड एंड अरब इज आउटसाइड. मूविंग टू पेज नंबर 3. हियर टॉपिक इज बिगर स्मॉलर यानी कि बड़ा और छोटा. नाउ अब आप ध्यान दें फर्स्ट पहली लाइन में जहां पे हिप्पोपोटामस और एक पप्पी है उसमें हेडिंग क्या दी है टिक द बिगर यानी कि बड़े वाले को टिक कीजिए. पप्पी और हिप्पोपोटामस में कौन सा बड़ा हुआ ऑब्वियसली हिप्पोपोटामस. सो टिक ऑन हिप्पोपोटामस. नाउ नेक्स्ट टिक राइट द स्मॉलर. अब फर्स्ट वाले में यानी कि लीफ वाले में स्मॉलर वाले को टिक करना है. एक तो बड़ा लीफ दिया है और एक दिया है छोटा लीफ तो उसमें से स्मॉलर वन को टिक कीजिए. नाउ द अदर ऑप्शन इज एक स्क्विरल है और एक काउ तो इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वन है उसे टिक कीजिए.
Moving to the last, tick the smaller tire. दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं टायर से. उनमें से एक है स्मॉलर, एक है बिगर. यू हैव टू टिक द स्मॉलर टायर. सो टिक द स्मॉलर टायर. अब देखिए, मैंने भी टिक किया है. यू हैव टू टिक लाइक दिस इन योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू.